सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद से हर वॉरियर ऑफ एसएसआर खुश है। और ऐसे में कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर कर दी है। क्या कुछ कहना है कंगना का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि कंगना रनौत ने लगातार लड़ाई लड़ी है वॉरियर्स ऑफ एसएसआर बनकर, और इस खुशी के मौके पर कंगना का ट्वीट तो बनता है। और कंगना ने ट्वीट कर फैंस को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जी हाँ, कंगना ने लिखा कि सबसे पहले तो सारे वॉरियर्स को, ईच ऑफ एसएसआर वॉरियर्स, उन सभी को मैं कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी, क्योंकि इतना बड़ा टीम एफर्ट पहली बार सबने लिया और जीत सच की ही होती है। सो ये पहला स्टेप हमने बढ़ा दिया है सच की तरफ, निष्पक्ष जांच की तरफ पहला स्टेप हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ में थमा दिया है ये मैटर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ कंगना ने यह भी लिखा कि पहली बार मैंने इतना अमेजिंग फोर्स ऑफ मास कॉन्शियसनेस देखा है, यानी कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कॉन्शियसली किसी चीज का डिसीजन लेते देखा है। वरना हमेशा ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि जहां मैनिपुलेशन आ जाती है वहां पे लोग चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक कंगना के कहने का यही मतलब है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में एक इतना स्ट्रांग फोर्स फील हुआ है लोगों को कि पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह लड़ी है सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए, एंड पहला स्टेप सभी ने लिया है सुशांत के केस के लिए। तो हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसी तरीके से कंगना ने भी हर एक वॉरियर को थैंक यू और हर एक वॉरियर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। और ये जो बात है कि मास कॉन्शियसनेस, जी हाँ, इतनी बड़े लेवल पे अवेयरनेस, इतने बड़े लेवल पर कॉन्शियसनेस, ये हिस्ट्री में शायद पहली बार किसी सेलिब्रिटी के लिए, पहली बार किसी एक्टर के लिए हुआ है। दैट इज़ वॉट इज़ द लव सुशांत सिंह राजपूत डिजर्व्ड। सो कहीं ना कहीं ये सारी बातें कंगना ने जो लिखी वो सच है। आपको क्या कुछ है कहना इस बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।